हेलो एवरीवन, तो आज का हमारा लेक्चर है इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट, यानी कि जो होम रूल लीग के आंदोलन हुए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आफ्टर द स्प्लिट ऑफ 1907 सूरत, द कांग्रेस वॉज रेंडर्ड एन इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन विथ नो जेन्युइन पॉलिटिकल एजेंडा। यानी कि 1907 के अंदर जो सूरत विभाजन हुआ उसके बाद जो है कांग्रेस जो है एक अप्रभावी संगठन बन गई थी, यानी कि उनका कुछ वजूद नहीं रह गया था, और एन रेंडर्ड एन इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन विथ नो जेन्युइन पॉलिटिकल एजेंडा, जिसका कोई ठोस राजनीतिक कार्य भी नहीं बचा था। द वर्ल्ड वॉर वन हैड ब्रोक द मिथ ऑफ रेशियल सुप्रीमेसी ऑफ वेस्ट ओवर द एशियन। वर्ल्ड वॉर वन, पहले क्या होता था कि जो सफ़ेद चमड़ी वाले लोग कहते थे कि जो काली चमड़ी वाले लोग हैं उनसे हम सुप्रीम हैं, तो वेस्ट जो थे वो अपने को सुप्रीम मानते थे। लेकिन पहला विश्व युद्ध जब ख़त्म हो गया तो ये जातीय उच्चता का जो सिद्धांत था इसे तोड़कर रख चुका था वो। ब्रिटिश हैड फाइनेंस्ड इट बाई टैक्सिंग द इंडियंस। यानी कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ इसमें जो ब्रिटिशों का खर्चा हुआ, उस खर्चों को वसूल करने के लिए ब्रिटिश ने भारतीयों पर कर और ज़्यादा कर लगाने की कोशिश की। टू गिव अ न्यू इम्पेटियस टू द पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन इंडिया, टू होम रूल लीग्स वेर स्टार्टेड इन 1915 यानी 16। यानी कि भारत में जो राजनीति को एक नया जोश देने के लिए दो होम रूल लीग का प्रारंभ हुआ। 1915 और 16 में दो नए होम रूल लीग स्टार्ट किए गए ताकि जो है भारत की राजनीति को एक नया जोश मिल सके, क्योंकि कांग्रेस जो है उस समय इनइफेक्टिव थी। द फर्स्ट वॉज स्टार्टेड एट पूना अंडर लोकमान्य तिलक 28 अप्रैल 1916। पहला जो था लोकमान्य तिलक ने पूना के अंदर होम रूल लीग चालू किया 28 अप्रैल 1916 के अंदर, एंड द सेकंड एट अडियाल अंडर एनी बेसन। और दूसरा जो होम रूल लीग है वो एनी बेसन के द्वारा चालू किया गया अडियाल के अंदर, ये है एनी बेसन के द्वारा। बोथ द लीग्स रैन पैन इंडिया मूवमेंट्स टू डिमांड होम रूल और सेल्फ गवर्नमेंट टू इंडिया आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। तो इसने ये दोनों नेताओं ने जो है भारत को दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया था, एक महाराष्ट्र कर्नाटक और मध्य प्रदेश जो बिहार का एरिया है इसके अंदर लोकमान्य तिलक ऑपरेट करते थे, और अन्य भारत के अंदर जो है एनी बेसेंट ऑपरेट करते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये एक पैन इंडिया मूवमेंट बन गया और ये होम रूल लीग की या फिर सेल्फ गवर्नमेंट की मांग करने लगे वर्ल्ड वॉर वन के बाद। तिलक फेमसली सेड कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। लोकमान्य तिलक का एक फेमस वाक्य है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूँगा। तिलक्स यंग इंडिया एंड बेस एनी बेसेंट्स न्यू इंडिया न्यूज़ पेपर स्टर्ड द पॉपुलर सेंटिमेंट्स। यानी कि तिलक का जो यंग इंडिया पेपर था और बेसन का जो न्यू इंडिया था, इसने जनता को आंदोलित किया। This attracted major moderates like Motilal Nehru, Tej Bahadur Sapru, etc. जो नरमपंथी नेता थे मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू इत्यादि, ये जो है इस आंदोलन से औपचारिक रूप से जुड़े। The British continuously pressurized the movements in submission. The Home Rule League movement were within the constitutional limits. यानी कि जो Home Rule League जो आंदोलन था ये एक संविधान के अंदर था, जो ब्रिटिश का संविधान था उसके अंदर था, तो वो जो है ब्रिटिश हिंसात्मक कार्रवाई इस पर नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो एक अहिंसक आंदोलन था और ये संविधान के अंदर था, और ये लोगों की मांग थी कि हमें जो है होम रूल दिया जाए, यानी कि सेल्फ रूल दिया जाए। ब्रिटिश सरकार ने इसे प्रेशराइज किया, ब्रिटिशों ने इसको कंटिन्यूसली मतलब दबाने का सतत प्रयास किया। बट पीपल डिस्प्लेड फियरलेसनेस सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेक्रीफाइस। किंतु जो है लोगों ने अभय मुक्ति आत्मसम्मान और त्याग प्रदर्शित किया था। भय मुक्ति यानी फियरलेसनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान, और त्याग यानी कि सेक्रीफाइस। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसके बाद जो है 1920 के अंदर गांधी जी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े। इससे पहले ही एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने अपने होम रूल लीग से लोगों को आंदोलित किया था, एक साथ जोड़ दिया था
पूरे भारतवर्ष से, और इसी चीज़ का फ़ायदा जो है गांधी जी ने उठाया। बट पीपल डिस्पेट फियरलेसनेस सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेक्रीफाइस। इन 1917 मॉन्टेक डिक्लेयर दैट इंडिया विल बी गिवन अ सेल्फ गवर्नमेंट इन स्टेप्स प्रोसेस। यानी कि 1917 के अंदर जो है मॉन्टेक ने यह घोषित कर दिया कि भारत को चरणबद्ध पद्धति से होम रूल लीड दिया जाएंगे, यानी स्टेप्स में दिया जाएगा। और जो है एनी बेसेंट उनसे प्रभावित थी और बाद में उन्होंने ब्रिटिश सरकार के फेवर में कुछ स्टेटमेंट्स दिए। लेकिन जो है मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो है वो होम रूल लीग को इतना सपोर्ट करने वाले नहीं थे, इसीलिए राष्ट्रवादियों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। द होम रूल लीग मूवमेंट मर्ज्ड विद INC इन 1970 एंड एनी बेसेंट बिकेम इट्स प्रेसिडेंट। 1917 के अंदर जो है होम रूल लीग कांग्रेस में विलय कर दिया गया और एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षा बनी। INC एक्सेप्टेड होम रूल लीग हैज इट्स गोल, और जो है कांग्रेस ने होम रूल को अपना एक लक्ष्य बना लिया। फाइव फैक्टर्स लेड टू डिमाइस ऑफ होम रूल लीग। यानी कि अब हम देखते हैं कि पांच कारण जो है, पांच कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से जो है होम रूल लीग आंदोलन को पटाक्षेप हो गया, यानी कि खत्म हो गया, डिमाइस हो गया। पासिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्ट 1919 जो गवर्नमेंट एक्ट था, जिसे मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, इसके आने के वजह जो है वो स्टेप्स के अंदर होम रूल देंगे ऐसा मॉन्टेक ने कहा था, इसके वजह से ये एक फैक्टर है। द INC ओपिनियन डिवीजन ऑन दिस एक्ट, कांग्रेस का जो है इसके जो मॉन्टेक रिफॉर्म्स थे इसके ऊपर कांग्रेस के दो ओपिनियंस थे, मतभेद थे, आपस में मतभेद थे। डिपार्चर ऑफ तिलक टू लंडन टू अ लीगल केस, यानी कि एक कानूनी मामला लड़ने के लिए तिलक जो है लंडन चले गए। नेक्स्ट इज एनी बेसेंट एक्सेप्टेंस ऑफ मॉन्टेक रिफॉर्म्स। एनी बेसेंट ने जो है मॉन्टेक रिफॉर्म सुधारकों को एनी बेसेंट के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया था, उन्होंने यह एक्सेप्ट कर लिया। द राइज ऑफ गांधी एंड हिज मॉडल ऑफ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और उसके बाद जो है गांधी जी की एंट्री होती है और उनका अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा आंदोलन दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उनका आया। तो ये थे होम रूल लीग मूवमेंट। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।